वेलकम टू एग्जॉटिक डाइन, दिस इज़ मी स्वाति। आजकल मार्केट में इतने अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं कि देखकर लगता है फ़ौरन उनको खा लें, लेकिन रोज़ रोज़ सिंपल फ्रूट्स काट के देने में बहुत जल्दी सब लोग बोर हो जाते हैं। तो आज कुछ अच्छी सी ड्रेसिंग्स बनाते हैं जिनके संग हम फ्रूट सर्व करेंगे। और मैं हमेशा इजी चीज़ तो बनाने की ट्राई करती हूँ, तो ये जो दो ड्रेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्रूट्स लिए हैं, मुझे जो भी फ्रूट्स मिले वो लगभग सारे फ्रूट्स हैं। फर्स्ट ड्रेसिंग हम बनाएंगे कर्ड से। यहाँ पर मैंने हंकर्ड बनाया है। ये जो हंकर्ड हम बना रहे हैं उस हंकर्ड को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। केवल 2 कप कर्ड को मैंने छलनी के अंदर रख दिया और उसे ढक के रख दिया। इस टाइम आपको जो कर्ड है उसे बिल्कुल चम्मच से स्टर नहीं करना है। और अब जो फ्रूट्स मेरे पास थे उन फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने पपाया चॉप किया, इसके बाद मैंने एप्पल चॉप किया और उसके बाद मैं इन सारे फ्रूट्स को एक बोल के अंदर लेती जाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास कीवी है तो मैं इस कीवी को भी चॉप करके उसी बोल के अंदर रख लूँगी। और ऑरेंजेस जो हैं, इन ऑरेंजेस को मैं ऊपर से जो इनका धागा जैसा होता है वाइट कलर का वो भी निकाल लूँगी और इनको डीसीड भी कर लूँगी। और साथ ही मैंने बनाना भी काट लिया है। और इन सारे फ्रूट्स को मैं एक बड़े बोल के अंदर ले लेती हूँ। यहाँ पर आप एक बोल थोड़ा बड़ा तो उसमें ड्रेसिंग अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और अब ये देखिए हंकर जो था वो बन करके रेडी हो गया है और इसके नीचे जो इसका पानी था वो अलग हो गया है। उस पानी को हम किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। हमने जो 2 कप फ्रेश दही का हंकर बनाया वो 3/4 कप बन करके निकला है। और अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो फ्रेश क्रीम आती है उसको मैं मिला दूंगी। ये जो ड्रेसिंग हम बनाने जा रहे हैं इसमें बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं शुगर पाउडर मिला रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। ये करीब मैंने 4 चम्मच मिलाया है और उसी के साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिला दिया है। ये टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब ये जो ड्रेसिंग बन करके रेडी हो गई है उसको मैं सारे फ्रूट्स के ऊपर डाल दूंगी और बस फ्रूट्स को उसके अंदर टॉस करूंगी और ये हमारी जो टेस्टी सी सैलड है ये बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वैसे तो हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं बट इसे थोड़ा सा एग्जॉटिक टच देते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्रैनबेरीज डाली हैं, पम्पकिन सीड्स डाले हैं और साथ ही मैंने ड्राई एप्रिकॉट डाले हैं और काजू डाले हैं और साथ में सनफ्लावर सीड्स भी डाले हैं। और थोड़े से फ्रेश देने के लिए इसमें डाला है पुदीने के पत्ते और चेरी से गार्निश कर दिया। और बस ये टेस्टी सी सैलड बन करके रेडी हो गई जो बहुत ही हेल्दी है और लो कार्ब भी है क्योंकि हमने इसमें मेयो का यूज़ नहीं किया है, केवल इसमें हमने हंकर्ड बना करके यूज़ मिली। सैलेड को बस अच्छी तरह से टॉस किया जिससे कोटिंग हर फ्रूट के ऊपर आ जाए। और अब दूसरी सैलेड, ये सैलेड बनाना भी बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर हम जो सैलेड बना रहे हैं उसके लिए मैंने फ्रेश जूस लिया है। अब सबसे पहले हम फ्रूट्स को एक बड़े बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे जिससे उसमें ड्रेसिंग मिलाना इजी हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो हमने जूस लिया है ये 1/2 कप जूस है, उसके अंदर मैं 1/4 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर मिला रही हूँ और उसी के साथ हनी मिला रही हूँ। और इनको हम अच्छी तरह से जो हमने जूस है उसके अंदर से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह स्टर करने के बाद इसको हम पोर करेंगे जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके ऊपर और बहुत अच्छी तरह से इसको टॉस कर देंगे। ये थोड़ी सी जूसी सी सैलेड हो जाती है जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसका थोड़ा एक टैंगी फ्लेवर होता है। अगर आप ऑरेंज लवर हैं तो ये सैलेड आपको ज़रूर पसंद आए। अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो हमने हंकर्ड बनाया था वो मेयोनीज का सब्स्टिट्यूट था, अगर आप चाहें तो हंकर्ड की जगह आप मेयो भी यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ जो हमने क्रीमी हंकर्ड बनाया है उसे बनने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम हमने उसे ढक के रखा है उस टाइम उसे चम्मच से बिल्कुल भी ना हिलाएं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।